ओके हाय फ्रेंड्स, सो यू कैन सी हियर आज हम फुटवेयर सीखने वाले हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनर शूज यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. सो दिस इज द लेदर शूज विद द ज़ेब्रा प्रिंट. यस, सो ज़ेब्रा प्रिंट उस पर किया है एंड हील पोर्शन आप देखोगे ना, सो दिस इज द डायमंड्स का हील इसमें लगा हुआ है. और यही डिजाइनिंग आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हाउ टू डिजाइन दिस शूज. अभी उसके लिए हम यूज करने वाले सॉफ्टवेयर दैट इज द कोरल ड्रॉ. सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पीसी पे स्टार्ट पे जाना है एंड कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो है उसे ओपन करो. ओपन होने के बाद फाइल नाम पे जाना है एंड न्यू पेज लेना है. सो ये न्यू पेज आपको ऐसे ब्लैंक मिलता है. अभी हमें डिजाइन करना है ये शूज. सो आपके पास अगर ये शूज है तो ठीक है, इसे देख के करो, या फिर आप मैगजीन में से भी कोई भी शूज देख के, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वॉट एवर जहाँ पे है वहाँ पे देख के आप उसे ड्रॉ कर सकते हो. सो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम लेने वाले हैं दिस फ्री हैंड टूल से मैं ड्रॉ करती हूँ. सो फ्री हैंड टूल मैंने लिया है, ये देखो फिफ्थ नंबर पे है. आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज हमने बहुत सारे वीडियोज बना लिए हैं फैशन एक्सेसरीज के, ज्वेलरी के. सो कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं दैट यू नो. ओके, सो देखो मैंने स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पे बराबर मैच किया हुआ है. ओके सी, यहाँ पे शेप टूल लिया है हमने और उससे इसे शूज को शेपिंग करना है. सो शेपिंग के लिए एज यू नो कि हम ये पॉइंट पे क्लिक करके ये एरोज को भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ इसे जो पॉइंट्स को नीचे लेना है, एडजस्ट करना है, आप प्रॉपरली उसे रीशेप कर सकते हो. सो डोंट वरी कि आप जब ड्राइंग करते हो तो प्रॉपर शेप नहीं होगा, तो उसे हम शेप टूल यूज करके शेपिंग कर सकते हैं. सो जस्ट एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेना एंड उसे प्रॉपरली शेपिंग कर लेना है हमें. और इसी तरह से ये हमने शेपिंग किया है. ऑलराइट, ओके ऑलराइट. सो ये शेपिंग आपका कंप्लीट होने के बाद यू जस्ट फिल द ब्लैक कलर. ये कलर मैंने फिल किया है, ब्लैक कलर लिया है, एज यू विश. आपको अगर दूसरा कलर लेना है आप ले सकते हो. सो ब्लैक कलर पे फिल करके उसे मैंने ये यहाँ पे कंप्लीट किया है ये बेस. अभी हमें ड्रॉ करना है हिल पोर्शन. सो हिल के लिए अगेन यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे और यस मेक इट कंप्लीट. ओके, और अभी जूम करके, पेज को जूम करके हमें इसका भी शेपिंग कर लेना है शेप टूल से ही. अब जूम कैसे करना है पेज आपको पता है, दैट इज कि माउस का जो स्क्रॉल होता है उसे आप कंप्यूटर की ओर मूव करो. सो पेज आपका जूम हो जाता है एंड जूम मोड पे जाके आपको क्या करना है, इसका शेपिंग कर लेना है. एंड अगेन इसे भी हमें कलर फिल करना है. ओके सी, सो ये मैंने यहाँ पे शूज का बेस बना लिया है, उसी में करेक्शंस करने हैं तो यू कैन डू अगेन. मीन वॉट एवर आपको लगता है कि ये पोर्शन आगे है तो उसे पीछे मूव कर सकते हो. सो जब ये कंप्लीट हो जाता है देन नेक्स्ट पार्ट आपको जो करना है दैट इज डिजाइनिंग पार्ट. सो इस पे ये ज़ेब्रा प्रिंट है वो कैसे करना है देखो. सो ये जो फ्री हैंड टूल था उसी में आगे आप देखोगे तो आर्टिस्टिक मीडिया है, इससे आपको लेना है ये स्ट्रोक. अब ये जो स्ट्रोक है दैट इज ये पॉइंटेड वाला लेना है. सो दोनों साइड पॉइंट्स होने चाहिए, ये स्ट्रोक हम यूज करेंगे. अब इसे मुझे यहाँ पे यू जस्ट ड्रॉ ऐसे वी शेप एंड ये वाइट कलर फिल करना है. सो ये जो स्ट्रोक है इसका भी साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये जो देखो स्ट्रोक जहाँ से है वहीं पे साइड में ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर का एरो क्लिक करोगे देन ये ब्रॉड होता है और नीचे से स्मॉल होता है. सो थिकनेस आपको जितना चाहिए उतना रखो. ओके, दिस वन इज ओके. ओके नाउ इसी तरह से उसे एक बार एडजस्ट किया एंड फिर स्ट्रोक्स आपको ड्रॉ करते जाना है. वाइट कलर फिल करना है. सो जहां पे भी चाहिए यू जस्ट ड्रॉ द स्ट्रोक्स, फिल द कलर. कहीं वी शेप मैंने किया है, कहीं पे स्ट्रीट स्ट्रोक किया है एंड वाइट कलर उसमें फिल करना है. इसी तरह से कंप्लीट शूज जो है उसमें हमें ये डिजाइन
मतलब ये जो प्रिंट है जेब्रा प्रिंट वो कर लेना है। ओके सी की कंप्लीट शूज पे मैंने प्रिंट किया हुआ है वही स्ट्रोक्स यूज करके। अब जो स्ट्रोक अगर आपको सही नहीं लगता है तो शेप टूल ले लो एंड डू द शेपिंग। सो ये देखो ये ओवरलैप हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव करती हूँ। बहुत स्ट्रेट लग रहा है तो मैंने पॉइंट ऐड किया एंड उसे एक शेप किया हुआ है। सो इसी तरह से आप जो भी है अगर कुछ आउटसाइड जा रहा है सो उसे भी आप इनसाइड टर्न कर सकते हो। सो चेक इट कि कंप्लीट प्रिंट जो है वो अच्छे से प्रॉपर हुआ है कि नहीं। सो वंस ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा दैट इज द हील पोर्शन। अब हील्स जो है दैट इज डायमंड्स की हील है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सी मेरा प्रिंट कंप्लीट हो चुका है, नाउ ये हील पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है। सो उसके लिए मैं कंट्रोल डी करती हूँ, डी फॉर डुप्लीकेट। अब यहाँ पे उसे मैं साइड पे लेके आई जो डुप्लीकेट पोर्शन है और आर्टिस्टिक मीडिया से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड ये जो है मुझे डायमंड यूज करना है। अब ये कहाँ से मिलता है दैट यू नो, अगेन मैं बता देती हूँ कि आपको जाना है और ये इफेक्ट्स नाम पे जाना है एंड आर्टिस्टिक मीडिया को ओपन कर लेना होता है। सो ये गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे अगर ओनली ब्रश दिखता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिफॉल्ट नाम पे। सो डिफॉल्ट्स पे जब जाते हो तो आपको एडिशनल सारे ब्रश मिलते हैं और इनमें से हम ये डायमंड्स का यूज करने वाले हैं। स्टोन्स होते हैं इसमें बहुत सारे। सो ये सिल्वर जो है 10 ये हम यूज करने वाले हैं, अदर्स नहीं चाहिए तो उसे हम डिलीट करते हैं। अब इसे सेपरेट कैसे करना है, कंट्रोल के कंट्रोल यू। ये सारी स्किल्स ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए मेरे पहले के वीडियोस में। सो डिटेल सीखने के लिए आप मेरे सारे वीडियोस देखो सो दैट आप ये सारी स्किल में एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके सो देखो ये जो है स्टोन डायमंड इसे मैंने स्मॉल कर लिया है। अब यहाँ पे हिल पोर्शन में मुझे उसे अप्लाई करना है। सो पहले तो मैं साइज उसका एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके स्मॉल करके देखो कि बराबर है कि नहीं। ओके ऑलराइट सो दिस वन इज परफेक्ट। नाउ इसका कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ कंट्रोल डी। ओके सो इसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है फाइन। अब ये तीनों जो है तीनों को सिलेक्ट करो एंड अगेन कंट्रोल डी करो। कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे नीचे लेके आई। यस अभी ये दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं कंट्रोल डी। सो क्या है ना आपका वर्क थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इसका साइज स्मॉल कर लेना है एंड एडजस्ट करना है। इफ यू वॉन्ट डिटेल प्रॉपर देन वन बाय वन करो, मतलब एक एक सिंगल डायमंड आप जूम करके एडजस्ट करो सो दैट ज़्यादा परफेक्शन आता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है फास्ट करना है देन ये शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो कि ग्रुप करके उसे सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल डी मतलब कॉपी कर लेना है। सो नाउ मैं अगेन देखो इसे सेलेक्ट किया है कंट्रोल डी किया एंड साइज उसका मैं स्मॉल करती हूँ और एडजस्ट। ओके ऑलराइट सो ये कंप्लीट हील पोर्शन जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। यू कैन सी डायमंड्स हमने कैसे कॉपी पेस्ट करके मतलब कंट्रोल डी करके यहाँ पर लिए हुए। सो ये कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इसे कंप्लीट इसे सेलेक्ट करना है एंड ग्रुप करना है। ओके और इसे उठा के प्लेस करो इस जगह पे और ये जो नीचे वाला जो है प्लेन उसे डिलीट करना है सो दैट। ओके अब ये जो है ना ये डायमंड्स आपको ऊपर से दिख रहे हैं सो इसे क्या करना है हिल हम राइट क्लिक करेंगे। ये देखो ये जो हिल पोर्शन है इसके यहाँ पे सेंटर में राइट क्लिक करना है, ऑर्डर नाम पे जाना है एंड बैक नाम पे क्लिक करना है। सो इट इज़ शूज़ के बैक साइड में वो चला गया है। सो दिस वन इज़ कम्प्लीट। अभी कम्प्लीट शूज़ जो है उसे हम ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी एंड आपके पेज पे आपको जैसे चाहिए उसे एडजस्ट करो एंड गिव द नेम
आपने जो भी नेम, आपको जो भी नाम देना है वो नाम, और आपका खुद का नाम. सो दिस इज डिज़ाइन बाय मी, दैट इज़ अर्चना. फुटवेयर और डिज़ाइनर शू है तो अपने डिज़ाइनर शूज़ यहाँ पे लिखा है. वॉट एवर आप जो भी डिज़ाइनिंग करते हो तो उसका टाइटल एंड आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखना, सो दैट दिस असाइनमेंट इज़ कम्प्लीटेड. यू कैन सी कि ये जो ज़ेब्रा शूज़ मैंने यहाँ पे दिखाया, ज़ेब्रा प्रिंट का, वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाया है. सो सेम आप प्रैक्टिस करो, उसी के साथ साथ इसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप ट्राई करो कैसे दिखता है. सो लेट्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर ये जो ब्लैक कलर है उस पर क्लिक करती हूँ मैं एंड आई चेंज द कलर. कलर चेंज करके देखते हैं और लेट्स सी. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसी शूज़ को चेंज किया है कलर, बेस कलर सिर्फ चेंज किया है. सो इसी तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में से ट्राई कर सकते हो कि कैसे दिखता है. वेरिएशन से आप देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ ज़ेब्रा, ये जो ज़ेब्रा प्रिंट है उसकी जगह पे आप अलग प्रिंट भी ट्राई कर सकते हो. सो डू द वेरिएशंस, डू प्रैक्टिस एंड कीप वॉचिंग माई चैनल अर्चनाज फैशन डिज़ाइनिंग. उसी के साथ साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलना नहीं एंड यस, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चनाज फैशन डिज़ाइनिंग.